हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फोर्ड फिगो एस्पायर की एक जनरल सर्विस, जो कि यूजुअली हमें करनी चाहिए और हर 10 से 12,000 किलोमीटर के बाद में जो जनरल चेकअप होता है वो जो है मैंडेटरी रहता है। तो ये है हमारे पास में फोर्ड फिगो एस्पायर मॉडल टाइटेनियम, और फिलहाल हम करने वाले हैं इसके जनरल चेकअप के साथ जनरल सर्विस। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जनरल चेकअप में हम इसकी सारी लाइटें चेक करेंगे, जैसे कि ब्रेक लाइट जल रही है और पार्किंग, ये पार्किंग चलवाओ साहब, अरे चालू करो ना, कर हैजार्ड लैंप कर दो पहले। और इंडिकेटर पार्किंग ऑन है, चारों इंडिकेटर ऑन है और ब्रेक लाइट भी ऑन है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। रिवर्स भी ऑन है, रिवर्स ऑन, गुड, ठीक है, चलो इंडिकेटर ऑन है सारे, ठीक है। अपर टिपर कर दो एक बार, ये क्या था, अपर टिपर करो ना, बंद हो रही है, नहीं है अपर टिपर, सारी बंद करो, सिर्फ अपर टिपर करो। कैपर्टी पर में कुछ समस्या लग रही है, दोनों है? नहीं, एक बंद हो रही है ना, ये बंद हो रही है। हाँ, वो भी। इसका एक हेडलाइट का बल्ब फ्यूज है, उसमें एक ही पॉइंट चल रहा है सिर्फ, डिपर अपर नहीं है उसमें। तो गाइस, ये जनरल सर्विस जनरल चेकअप में पहला फॉल्ट समझ में आया, इसका जो अपर है वो नहीं चल रहा है, खाली डिपर चल रहा है, तो इस चीज को हमें फिक्स करना है। और इसके दूसरे फॉल्ट भी चेक कर लेते हैं अभी। अब हम चेंज करने वाले हैं इसका जो बल्ब जो कि नहीं चल रहा था, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और इसमें जो 5560 की रेटिंग का जो बल्ब है वो लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं 5560 का है। तो ये वाला जो बल्ब है जो हमने अभी निकाला है उसको हमें चेंज करना है। तो अब ये लेकिन ये 100 वाट वाला है, चलो ठीक, बल्ब ये हम लगा रहे हैं और ठीक है, कार्टून उसका था लेकिन ये बल्ब जो है ओसराम का है, ओसराम नहीं, फिलिप्स ही है। तो इसका ऐसे लाग दिया सर, अभी रुक जाइए, बंद कर लो, चलो चेंज कर दिया है भाई, इसको चेंज कर चेक कर लेते हैं। ठीक है, बल्ब चालू है, अपर डिपर हमें समझ में नहीं आ रहा है, बाद में देखेंगे। ये हमारे जो इम्पोर्टेंट चेकअप होता है वो होता है बैटरी का जो वाटर लेवल है उसको चेक करना। देख सकते हैं कि इसमें कुछ अलग ही टाइप की कोड वाले, क्योंकि कुछ अलग ही तकनीक की बैटरी यूज़ करते हैं, अलग ये है वही लेड एसिड बैटरी है। फिलहाल अभी हमने इसका खोल लिया है और हम इसमें कुछ थोड़ा सा पानी पोर करेंगे और उसके बाद में इसका जो वाटर लेवल है उसको बैलेंस या लेवल करेंगे। और हम टॉप अप करने वाले हैं जो बैटरी का जो पानी है वो, ये है डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर डाल के इसको हम कंप्लीट करेंगे।
अब एक आधी तो ले आओ, देखते हैं फिर। क्या बल बल्ब 55-60 दे दो। हम चेंज करने वाले हैं इसका जो बल्ब जो कि नहीं जल रहा था वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और इसमें जो 55-60 की रेटिंग का जो बल्ब है वो लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं 55-60 का है। ये वाला जो बल्ब है जो हमने अभी निकाला है उसको हमें चेंज करना है, और हम टॉप अप करने वाले हैं जो बैटरी का जो पानी है वो, ये है डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर डाल के इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब एक आधी तो ले आओ, देखते हैं फिर। क्या बल्ब बल्ब 55-60 दे दो। और इस बीच में ऑयल की कंडीशन भी देख लेते हैं, ऑयल खराब हो चुका है और लेवल पे है वैसे। तो ये तीसरा चेकअप हमने किया है जनरल सर्विस में, ऑयल चेकअप, ऑयल बदलाने का जो रिकमेंडेशन है वो मिल चुका है उस्ताद से। एक बार फिर से ऑयल खराब। अब जो इसमें जो मेन काम है वो है इसका जो इंजन ऑयल है उसको बदलना, तो उसके लिए हम पहले इसको ऊपर उठा रहे हैं। तो लेकिन अगर आप इसमें आप अपने घर पे इसकी DIY वीडियो बनाते हैं या फिर ऑयल चेंज करते हैं तो आप इसमें तो एक क्रेन होगी नहीं, तो आप ये कर सकते हैं कि इसको किसी भी एक तरफ से इसकी जैक उठा के इसको हल्का से ऊपर कर सकते हैं और फिर इसका इंजन ऑयल जो है निकाल सकते हैं। तो ये है इसके नीचे का पोर्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंजन ऑयल के लिए जो चैम्बर दिया हुआ है ये ऑयल ड्रेन नट, और इसके बाद में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इसका ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर की जो लोकेशन है वो मैं आपको बता दूंगा, शायद ये ऊपर की तरफ होगा क्योंकि नीचे तो कहीं दिख नहीं रहा। तो ऑयल पोर करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एम्प्टी जार, 15-40 और इसको एक बड़े स्प्रिंग पाने के थ्रू इसको खोल लिया है, और अब हम जो करने वाले हैं ये लगा सकते हैं। ये ऑयल जो है काफ़ी अब गंदा देख सकते हैं, जिसे इसको हिलाते हैं तो ऑयल जो है इसमें पूरा स्लज जो है चिपका हुआ है। यूजुअली थोड़ा सा अच्छा ऑयल होता है वो, इतना गंदा नहीं दिखता है। तो ये ऑयल जो है वो पूरा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब इसको कुछ देर पोर होने के बाद में छोड़ देंगे ताकि जो ऑयल है वो पूरी तरीके से निकल जाए। कुछ देर इसके ऑयल को निकलने के बाद में अब जो है ऑयल पूरी तरीके से निकल चुका था, और अभी हम इसको वापस कस रहे हैं, और अभी हम इसमें डालेंगे जो जैसा कि मैंने आपको बताया जो मल्टीग्रेड ऑयल है उसको, और उसके लिए इसको हमें उतारना पड़ेगा इस गाड़ी को नीचे की तरफ, और उसी जगह पर हम उसी और उसके बाद में आपको दिखाऊँगा इसमें जो इसका ऑयल फिल्टर है उसकी लोकेशन और उसको बदलने का तरीका करना। तो गाइस ये है इसका जो ऑयल फिल्टर है उसकी लोकेशन, तो बड़ा फिल्टर तो अभी सही है वैसे, क्योंकि भी ज़्यादा पुराना हुआ नहीं है।
इसको अभी बदलने की जो रिकमेंडेशन है वो हमारे उस्ताद से नहीं मिल रही है के लिए ये। वैसे मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करता, वैसे जो इसमें रिकमेंडेड है 15W40 ग्रेड का जो ऑयल डलता है, या तो आप नेचुरल लुब्रिकेंट भी डाल सकते हैं, सिंथेटिक लुब्रिकेंट भी डाल सकते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, बस नेचुरल थोड़ा सा कम चलता है और सिंथेटिक आप ज़्यादा रेंज तक लेके जा सकते हैं। अब हम करने वाले हैं बस इसमें ऑयल को फिल, और ऑयल फिलिंग कैप ये रही इंजन के बीचों बीच होती है, तो ये है गाइस इसका ऑयल फिलिंग कैप। और आप देख सकते हैं कि अब टाइम कितना बदल गया है कि अब ये जो हेड का जो कवर है वो भी प्लास्टिक का आने लगा है, पहले किसी टाइम पे एल्यूमिनियम का आता था ये। एनीवे ये भी हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक होगा मेरे हिसाब से। अब ऑयल को डालने के बाद में एक बार इसका जो लेवल है उसको भी चेक कर लेना ज़रूरी है, और ये जो है आ गया है पूरा। सर स्टार्ट करना, बिना क्लच के वैसे भी होगा। अब हम चौथी चीज चेक करने वाले हैं इसका एयर फिल्टर, और उसके लिए यहाँ पर जब देख सकते हैं कुछ अलग ही तरीके के जो स्क्रू हैं इसमें यूज किए हुए हैं, और उसके लिए स्पेशल एलिंक की जो रेंच है वो हमें यूज करनी होती है। तो ये 2.5 mm की जो स्टार एलिंग की है उससे ये चीज़ें खुलेंगी। इनके लिए जो टूल्स हैं वो भी स्पेशलाइज्ड हैं, जनरल टूल से इसकी सर्विस शायद मुश्किल होगी। इंजन नहीं बना रहा यार, चली बात गाइस ये खुल चुका है, और अब हम चेक करने लगे इसका एयर फिल्टर। और ये है इसका एयर फिल्टर जो कि देखने में ठीक ठाक लग रहा है, बाकी जो है नहीं, ये अंदर से बहुत बड़ा है। जो है सही है इसमें, लेकिन हवा मार के इसको काम कर सकते हैं। एक जनरल हवा मारने के बाद में इसको वापस हमने लगा दिया। तो गाइस इसमें जो एयर फिल्टर है उसके बाद में हम देखने वाले हैं इसका जो केबिन एसी का जो फिल्टर होता है उसको, और वो मैं पहली बार देखूंगा, तो देखते हैं कहाँ पे होता है। अब इसमें जो अगली चीज़ हम चेक करने वाले हैं वो है इसका कूलेंट। तो इसमें जो कूलेंट है वो थोड़ा सा अलग टाइप का डलता है, जो कि रेड कलर का होता है, मतलब ये गाड़ी जो है और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम करने वाली है। और उसके बाद में हम चेक करेंगे इसका जो ब्रेक ऑयल है उसे, जो कि ब्रेक ऑयल लेवल सही है, इसका बिल्कुल लेवल ठीक है। तो ये चेक हो गया, इनको दिखा दो कूलेंट।
तो ये हमने जो रेड कूलेंट है वो हम इसमें टॉप अप कर देते हैं फिलहाल। रेड कलर वाला? रेड कलर वाला ग्रीन आता है। नॉर्मली जो ग्रीन वाला होता है वो थोड़ा सा लो परफॉर्मेंस गाड़ियों के लिए होता है, और ये जो रेड कलर का होता है ये बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक मिनट लाइट जला लेते हैं। जो मिनिमम और मैक्सिमम का जो गेज है तो ये रहा मैक्सिमम, यहाँ तक होना चाहिए इस लाइन के थोड़ा ऊपर तक। अब इसमें बाकी डिस्टिल वाटर या पानी ऐड करके भी इसको लेवल कर सकते हैं। नहीं आ गया सर? हाँ आ गया, लेवल पे आ गया मैक्सिमम लेवल, थोड़ा सा और बचा हुआ। ठीक सर आ गया मैक्सिमम, सुपर निकल गया, ऊपर निकल गया साथ, ऊपर निकल गया। तो ये है, तो ये वाला जो था कूलेंट वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। ये जो है वाइपर का पानी भी हमने चेक कर लिया है, अब उसके बाद में क्या बच रहा है। ब्रेक पैड सही है, यहीं से देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए वो दिख रहा है, ब्रेक पैड सही है। अब क्योंकि ये नई गाड़ी है इसलिए इसमें ज्यादा ब्रेक और लाइनर को चेक करना रिकमेंडेड नहीं होता, जो जनरल चेकअप होता है उसमें बस बैटरी का पानी और इंजन ऑयल और जो कूलेंट वगैरह उसका लेवल चेक किया था। तो गाइस ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने फीगो एस्पायर की एक जनरल जो चेकअप होता है वो किया, और साथ ही साथ इसमें जो एक हेडलाइट का बल्ब था उसको भी चेंज करके आपको बताया। उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इस वीडियो में हमारे साथ में थे हमारे उस्ताद श्रवण जी, और श्रवण जी ने इसमें जो जनरल चेकअप और सर्विस थी वो कंप्लीट की। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।